ज्ञान मोती ग्रुप की एक नई प्रस्तुति। 24 जुलाई 1970 की अव्यक्त मुरली के बीच में ही किसी भाई ने बाप दादा से पूछा कि बाबा, इविल सोल का रूप कौन सा होता है? तो बाबा ने बताया, इविल सोल के दो रूप होते हैं, एक स्पष्ट रूप और दूसरा गुप्त रूप। कई बार तो इविल सोल स्पष्ट रूप से ही किसी आत्मा में प्रवेश कर जाती है, लेकिन कभी कभी इसका गुप्त रूप भी होता है। लेकिन कैसे पता लगाएं कि इविल सोल की प्रवेशता हो चुकी है? तो बाबा ने पहचान बताते हुए कहा कि चलते चलते अचानक ही किसी में कोई ना कोई बुरा संस्कार बहुत प्रभावशाली रूप में देखने में आएगा, जिसके कारण उनका दिमाग अभी अभी एक बात और थोड़ी देर में ही फिर दूसरी बात करने लगेगा, और उसे भी बड़े फोर्स के साथ कहेगा। जिसमें इविल सोल प्रवेश करती है, उनकी स्थिति एक ठिकाने टिकी हुई नहीं होगी। वह अपने को भी परेशान करेगा और दूसरों को भी। तो बाबा ने सावधानी देते हुए कहा, स्पष्ट रूप में जो इविल स्प्रिट आती है, उनको परख कर उनसे किनारा करना तो सहज है, लेकिन वह आप लोगों के सामने स्पष्ट रूप में कभी नहीं आएगी। आएगी तो गुप्त रूप में ही, जिसको आप लोग साधारण शब्दों में कहते हो कि पता नहीं इनका दिमाग कुछ हिल गया है, कुछ पागल से हो गए हैं। लेकिन उस समय उनके अंदर ये इविल अर्थात बुरे संस्कारों का फोर्स इतना अधिक होता है, जो वह इविल सोल के बराबर ही हो जाता। बाबा ने कहा, अब लास्ट समय ये सब कुछ होने वाला है, इसलिए अभी से ही अपने समय की बचत, संकल्पों की बचत और शक्ति की बचत कर ऐसी योजना बनाओ जो बीच बीच में बिंदु रूप की स्थिति में स्थित हो सके। तुम जितना बिंदु रूप की स्थिति में स्थित रहेंगे, उतना कोई भी इविल स्प्रिट या इविल संस्कारों का फोर्स आप लोगों पर वार नहीं करेगा। बाबा ने तो यहां तक कहा कि आप लोगों का शक्ति रूप ही उन्हों को मुक्ति दिलाएगा। तो अब यह सर्विस भी करनी है, अर्थात इविल स्प्रिट को भी तुम्हें मुक्त करना है, क्योंकि यह अंत के भी अंत का समय है। अब सारा किचड़ा बाहर निकल भस्म हो जाएगा, इसलिए उन्हों का सामना करने के लिए अब बचत की स्कीम बनाओ, तब तुम अपना और सर्व आत्माओं का बचाव कर सकेंगे। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।